नमाज पढ़ रहा सवाब लिखने में मशगूल है, एक चुप बैठा रखा उसका। जब आप कोई गुनाह कर रहे हो एक काम करता है गुनाह लिख रहा है लेकिन एक चुप बैठा रहता है। अरे सुभान अल्लाह को मैं बताऊं, लेकिन एक ऐसी घड़ी है साथ है क्या कर दोनों फरिश्ते कभी एक वक्त पर लिखने का काम नहीं करते, लिखने का काम नहीं करते, मगर किताबों में बात आती है इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि या अली जो जिसने एक दफा कहा, या अली जो जिसने एक दफा कहा, एक फरिश्ता नेकी लिखने में मशगूल हो जाता है, दूसरा फरिश्ता गुनाह मिटाने में जाता है। ये फरिश्ते कभी एक साथ काम नहीं करते हैं। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक ही लिख रहा है, कोई गुनाह कर रहे हो तो सिर्फ एक ही लिख रहा है, मगर एक मर्तबा या अली को अगर आप कहें तो एक फरिश्ता नेकी लिखने में मशगूल हो जाता है, दूसरा उसे मिटाने में गुनाह मिटाने में मशगूल हो जाता है। ये दोनों फरिश्ते एक वक्त काम करना शुरू करते हैं। किताबों में बात इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं जो शख्स या अली को एक दफा कहता है फरिश्ते चार साल तक उसके नामे अमाल में नेकी लिखते रहते हैं, दिन रात लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। फिर चार साल के बाद एक मर्तबा अगर और या अली को कहता है तो वो शख्स, तो फरिश्ते कहते हैं ऐ शख्स अभी सुने, चार साल कबल जो या अली को कहा था मैं अभी तक उसका जवाब लिख रहा हूँ और फिर तूने या अली को कह दिया, और फिर तूने या अली को कह दिया। इसलिए अली कौन अली है? हजरत अली शेर खुदा फातिम खैबर दामाद पैगंबर की जात है। हजरत अली के हाथ में आप जुल्फिकार है भी जानते ना, जुल्फिकार एक तलवार है। हम और आप अगर कोई तलवार ले उस नाम, उस तलवार का नाम हम जुल्फिकार नहीं दे सकते हैं, लेकिन हजरत अली से किसी ने पूछा या हजरत अली से किसी ने पूछा या अली आपके हाथ में जो तलवार है हमने सुना है इस तलवार को अगर पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। कही सुभान अल्लाह, अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूँ, दो जुमा यहाँ शुरू होकर के गया हूँ, लेकिन अभी मैं शुरू नहीं हुआ, जब शुरू हो जाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो हजरत अली से किसी ने पूछा या अली हमने सुना है कि आपकी तलवार जो है अगर पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ को काट दे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, चूर चूर हो जाए। हाँ तुमने सही सुना है, हाँ तुमने सही सुना है कि मुझे दे दीजिए तो जरा मैं भी जरा टेस्ट करके देखता हूँ, आजमा करके देखता हूँ। अब हजरत अली ने अपने हाथों से वो तलवार उस शख्स को दे दिया, और देने के बाद वो आदमी गया सामने ही कि दीवार थी, दीवार पर ही चलाया, दीवार नहीं टूटी। कहिए सुभान अल्लाह, दीवार नहीं टूटी। वो शख्स पलट कर आया अली की बारगाह में आकर कहने लगा हमने जो सुना था वो गलत सुना था, हमने जो सुना था वो गलत सुना था, इसलिए कि हमने सुना था कि अली की जो तलवार है जुल्फिकार हैदरी अगर पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, हम तो दीवार पर मार के देखे निशान तक खरोंच तक नहीं आई, हमने गलत सुना था। हजरत अली ने कहा, हजरत अली ने कहा क्या ही मीठा जवाब दिया है मौला अली ने, मुश्किल कुशा ने जवाब दिया है कि तूने अली से तलवार मांगी थी, अली का बाजू हाथ नहीं मांगा था, ताकत नहीं मांगी थी, अली से तलवार मांगी थी, अली का हाथ नहीं मांगा, जब तक ये तलवार मेरे हाथों में है तब तक जुल्फिकार हैदरी है, जब मेरे हाथ से ये तलवार निकल गई तो सिर्फ ये एक लोहा, सिर्फ ये बोलिए ना, सिर्फ ये लोहा है, फिर जुल्फिकार हैदरी नहीं है। अली से तुमने तलवार मांगी थी, अली की ताकत नहीं मांगे थी, अली के बाद नहीं मांगे थे तुमने, अगर तलवार उस वक्त ही पे तलवार है, जुल्फिकार उस वक्त ही जुल्फिकार है जब तक अली के हाथों में हो, अली के पास में हो। मेरे दोस्तों ये अली है, कौन अली है? मुश्किल कुशा अली, फतेह खैबर अली, दामाद पैगंबर अली, मौला अली मुश्किल कुशा की जात है। आप तकरीर फरमा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, इस तरह अभी हम बैठ के यहाँ तकरीर कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, इस तरह हजरत अली भी तकरीर किया करते थे। मौला अली मुश्किल कुशा ये अलग सी बात है, आज इमाम साहब तकरीर करके चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं कि ना आओ नमाज की तरफ, मगर हमें नमाज की फुर्सत नहीं होती, आओ आओ कामयाबी की तरफ, मुअज्जिन पुकार पुकार के थक जाता है, मगर हमें नमाज की फुर्सत नहीं होती, कामयाबी की तरफ हम जाते नहीं है। इसी तरह मौला अली के साथ है, आप तकरीर फरमा रहे हैं और तकरीर करते करते दौराने तकरीर में एक आदमी खड़ा हो गया, सामने से खड़ा हो गया, और उसने खड़ा होकर के कहा
या अली मौला, मुश्किल कुशा फातह खैबर दामाद पैगंबर, आप हमने सुना है आप फातह खैबर है दामाद पैगंबर है, आपको पैगंबर द्वारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाब मदीनतुल इल्म का खिताब दिया है। मैं कर पैगंबर द्वारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अली बाबहा, मैं इल्म का शहर हूं अली उसका दरवाजा है, मैं इल्म का शहर हूं अली उसका दरवाजा है। उसने कहा हमने सुना है आपको बाब मदीनतुल इल्म का खिताब पैगंबर द्वारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। कहा कि हां हां, मुझे पैगंबर द्वारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाब मदीनतुल इल्म का खिताब दिया है। अब उस शख्स ने कहा या ए अली मौला मुश्किल कुशा, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप जवाब देंगे मुझे? कहा कि सर, हजरत अली ने कहा सद मा तशा, पूछ जो कुछ पूछना चाहते हो।